ओके नाउ लेट्स लुक एट इट। सबसे पहले लेट्स गो टू हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स का थर्ड पेज और मुझे ये बताओ कि इस अल्कोहल में से OH को हटाना है और BR को डालना है तो क्या करेंगे? अभी तो आएंगे NA पे भी आएंगे क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए होते हैं, एक O नेगेटिव NA पॉजिटिव और एक हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए। PX5, PX3 याद है? So, अगर हम PBr3 डाल देंगे तो यहाँ पे Br आ गया, दूसरे वाले में CH3, CH2, OH, CH2, OH के साथ NaOH डाल दिया तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और अभी अभी मैंने क्या कहा था, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2। सो आपके पास ये CH3, CH2, CH2, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या है Br, तो Br डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सो मेरे मित्रों, कौन कहता है मेरे मित्रों, जब भी कोई एक इंसान है हमारे इंडिया में, मेरे मित्रों कहते ही कुछ ना हो जाता है इंडिया में। यस यस, जब भी मिस्टर मोदी आके कहते हैं मेरे मित्रों तो मतलब या तो डीमोनेटाइजेशन होने वाला है या लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं आजकल। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। अब ये वन स्टेप है, वन स्टेप में अटैक हुआ ओ नेगेटिव का पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा। सो द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड एंड इट विल बिकम CH3, CH2, CH2, O, CH2, CH2, CH3 और बाहर क्या चला गया, NaBr। ठीक है, रिमेंबर यार, मैकेनिज्म में मैंने हमेशा आप लोगों को क्या कहा है, मैकेनिज्म में कोई भी एक ही खेल है, नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल है। ठीक है, एट्रैक्शन का खेल है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अट्रैक्शन कहाँ पे होने वाला है, बॉन्ड कहाँ पे बनने वाला है और उस बॉन्ड के वजह से बॉन्ड कहाँ पे टूटने वाला है। दैट्स इट, दैट इज द मैकेनिज्म, नथिंग एल्स। ठीक है सर? यस बेटा। सर हमने ये वाला मैकेनिज्म क्यों किया, सर हमने डिहाइड्रेशन क्यों किया? डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा, वो भी होगा, वो भी मेथड है, लेकिन उसमें हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को थोड़ा कम रखना पड़ेगा, देन इट विल वर्क। ठीक है ना, तो वो आप इसको आप उससे भी कर सकते थे, कंट्रोल जी। अगर आप इसे डिहाइड्रेशन से भी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3, CH2, CH2। सबसे पहले बेटा यहाँ पे O और ये आपका एसिड कैटलाइज्ड होगा, H यहाँ पे लग जाएगा तो O पे पॉजिटिव आ जाएगा, O पॉजिटिव ऐसे चला गया इसके पास तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3, CH2, CH2, OH। अब अगेन सेम पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गया इसके लोन पेयर पे, तो इसके लोन पेयर पे अट्रैक्ट होते ही आपका क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH2 एंड O पे पॉजिटिव, साथ में H है एंड CH2, यहाँ पे CH2 होएगा, CH2, CH3। अब
इस ऑक्सीजन में से पॉजिटिव हटाने के लिए हाइड्रोजन भाई साहब चले जाएंगे, तो हाइड्रोजन भाई साहब चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिहाइड्रेशन से भी बन गया, ठीक है ना। लेकिन टर्शरी वाले को डिहाइड्रेशन से मत करना, क्योंकि टर्शरी वाला क्या करता है हमेशा, सर ऐसे नहीं। एग्जैक्टली इट विल गिव अस एलिमिनेशन, वो एलिमिनेट होके बन जाएगा आपका एल्कीन। ये उल्टा रिएक्शन है बेटा, विलियमसन्स का उल्टा। अगर वो SN2 से होता था तो ये SN1 से होएगा, और इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, और जो हैलाइड बनेगा वो टर्शरी वाला हैलाइड बनेगा। तो जैसे आपका प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, अब प्रोपॉक्सी प्रोपेन में तो कुछ भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही आपका प्राइमरी और दोनों सिमेट्रिकल है। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे H नहीं होता, Na आएगा, और CH3 CH2, अच्छा नहीं नहीं H H, हाँ नहीं H ही आएगा, बिकॉज H I दिया है, H I दिया है। पता है मेरी क्लासेस कितने बजे शुरू होती थी, होती है रादर, और आप लोगों के क्लास के साथ एंड होगी, दैट मीन्स कितना हो गया, वो तो 7 AM वाला तो 3 घंटे सुबह चलता ही चलता है, आफ्टरनून वाले क्लास सुबह 7 से लेके मेरा 10 के आसपास तक चलता ही चलता है, यूएस और कनाडा वाला क्लास, उसके बाद से 2 o'clock टू अभी आज 10 o'clock तक आप लोगों के साथ चलेगा। काश पढ़ने के टाइम पे इतना पढ़ लिया होता, है ना, काश पढ़ने के टाइम पे इतना पढ़ लिया होता, आज के डेट में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड यू नो गाइस, इफ लाइक फॉर यू ऑल इन क्लास 12, हाँ, द नेक्स्ट 4 ईयर्स इफ यू रियली स्लॉग आउट, व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, एंड बाई द टाइम यू रीच 45-50 यू कैन टेक अ रिटायरमेंट एंड एंजॉय योर लाइफ यार। यू कैन गो रोम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन यू नो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट। अ वेरी गुड जॉब वुड मीन बाई द टाइम 4-5 ईयर्स डाउन द लाइन, इफ यू गेट इन टू अ गुड नाइस कॉलेज एंड यू डू अ नाइस गुड कोर्स एंड यू डू इट वेल, इट विल बी अराउंड 5 lakh rupees पर मंथ मिनिमम। सो एनुअल आपका 12-5 से 60 lakh, यू विल स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 22, 22 to 50 हो गया आपका कितना, 27 ईयर्स, 22 to 50 28 ईयर्स, तो 28, 6 8s are 48, 4 6 2s are 12 plus 4 16, 1680 lakh, मतलब लाख 10 लाख, एग्जैक्ट 2 6 2 6 2s are 12, 12, एग्जैक्टली। तो उसको उस बेटा टैक्सेस वैक्सेस जोड़ दोगे तो उसके बाद से तुम जो सेविंग करोगे उस पे तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। जैसे अगर मम्मा का देखोगे, मम्मा को देखोगे, मम्मा का PF कट रहा होगा, मम्मा का ग्रेजुएटी कट रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ये सारे चीज कटते हैं, और कब मिलते हैं उनको वापस, एग्जैक्टली रिटायरमेंट में एक तो होलसम अमाउंट मिलता ही मिलता है, और उसके बाद से जिंदगी भर के लिए पेंशन भी मिलता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि आप अपना वो सेविंग्स के साथ साथ यू विल डू व्हाट, व्हाट क्या कहते हैं लोग सेविंग्स के साथ, क्या कहते हैं, क्या करना, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे। आप लोग अपने ना पेरेंट्स से पूछना, जब उन्होंने गोल्ड खरीदा होगा ना अपने शादी में, ज्यादा से ज्यादा, आई रिमेम्बर व्हेन माय एल्डेस्ट ब्रदर गॉट मैरिड, गोल्ड वाज 2000 रुपीज, या 2000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स। बाय द टाइम आई गॉट मैरिड इट वाज अराउंड 22,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स,
अभी इट इज एट अराउंड 49,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स. एग्जैक्टली. और ये कहा जा रहा है कि अगले मतलब 3-4 सालों में दिस वुड टच 75,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स. तो सोचो, आप अगर अपना फंड इन्वेस्ट करोगे, अगर मान लो मैंने यहां पे 100 ग्राम्स गोल्ड पे भी इन्वेस्ट किया होता, तो 10 ग्राम्स पे कितना प्रॉफिट है? 27,000. 100 ग्राम्स में ऐसा कितने है? एग्जैक्टली. मतलब सीधे के सीधे प्रॉफिट हो जाता है. दिस इज व्हाट यू नो. दिस इज हाँ डबल डबल हाँ 46 एग्जैक्टली. वही चीज है. यू नो व्हाई? आई डोंट नो व्हाई. एज पेरेंट्स वी डू नॉट टीच आवर चिल्ड्रन. वी नीड टू फाइनेंशियली एजुकेट आवर चिल्ड्रन. ठीक है, हम ना केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, फिजिक्स पढ़ा देते हैं, मैथ्स पढ़ा देते हैं, बायो पढ़ा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, वही नहीं देते. अब 3 years अगो अ किड वॉज जस्ट गोइंग इन टू कॉलेज. ठीक है, कॉमर्स का बच्चा था, कॉलेज जा रहा था. एक दिन पापा ने बुलाया, बोला बेटा जा, ये ना ये फॉर्म है बैंक का, ये चेक डिपॉजिट स्लिप है, ये चेक के ना सारे डिटेल्स भर के बैंक में जमा करके आ. बच्चे को पता ही नहीं था कि कैसे होता है. सो ही सेड भाई ऑल द एजुकेशन हैज गॉन टू वेस्ट बिकॉज मेरा बच्चा तो बैंक में जाके फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता. सो दिस फाइनेंशियल एजुकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट कि यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज मनी चेंज. आज के डेट में आपका 2,000 रुपीज विल नॉट बी 2,000 रुपीज बाई द टाइम यू आर 40 years old. एग्जैक्टली. इन्फ्लेशन भी होगा, कॉस्ट फैक्टर भी बढ़ता है, एवरीथिंग इंक्रीजेस. रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे तो प्राइसेस और बढ़ते चले जाएंगे. वॉर हो गया तो प्राइस आसमान छुएगा. इंडिया का 1,000 इज लाइक आई थिंक सो कितना, म्यांमार का नियरली 1 lakh rupees. यहीं पे डिफरेंस देखना. इंडिया का मनी, इंडिया का जैसे हमारा फीस है ना, लेट्स से 650 to 850 वाला, ये हमारे जो दुबई और सऊदी के लोग देते हैं उनके लिए इट इज नियरली ओनली देयर करेंसी में 40 रुपए के आसपास है, और म्यांमार के करेंसी में लाखों में है. सो यू कैन सी कि इट चेंजेस. सो यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ फाइनेंशियली. इनफैक्ट अभी से लाइक यू नो व्हेन देयर यूज्ड टू बी ऑफलाइन क्लासेस, आई यूज टू टेल माई चिल्ड्रेन कि पॉकेट मनी मिलता है, एंड 90% सबको मिलता था, अब तो शायद पेरेंट ना दे रहे हो. आई यूज टू टेल देम कि आप 500 रुपये का, उस समय एक सिल्वर का कॉइन मिलता था, ठीक है, सिल्वर कॉइन खरीद लो. अब क्योंकि हमें नहीं पता बॉन्ड्स कैसे करना, हमें नहीं पता शेयर्स कैसे करना, लेकिन ये तो पता है सिल्वर कॉइन खरीदा जा सकता है. अब अ 16-year-old starts buying coins every month के 500 रुपये का एक कॉइन खरीद लिया. By the time the fellow is 30 years old, कितने years का हो गया वो? 14 साल. 14 साल में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 168. Now, इसी वैल्यू पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई 168 इंटू 5 8 5s are 40, 4 8 5 6 are 30, 840 with the 2 zeros. यानी कि यू इन्वेस्टेड 84,000. ठीक है, अब जरा ना आप क्या करो, गूगल करो व्हाट विल बी द रेट. ये अभी तो आपका एज क्या है बेटा, व्हाट इज
व्हाट इज योर नहीं अभी ईयर है 2021, 14 years वुड बी 2035. गूगल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ सिल्वर इन द ईयर 2035. Short-term price prediction for silver is set at $16.91 per TOZ. Ounce, ounce, per ounce. इंडियन में देखो ना, इंडियन करेंसी में. कॉस्ट ऑफ सिल्वर इन द ईयर ये कौन सा है, 2021, 2035 इन INR. हाँ, $70 दिखा रहा है. क्या चीज, एक कॉइन. अब कर लो. हाँ बेटा, वो 10 grams का होगा फिर, क्योंकि अभी ही इट इज अराउंड 60,000 rupees पर केजी. आउंस, आउंस इज ओनली 1 ounce इज वेरी लेस. ठीक है, तो दिस 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 मनी ऑफ योर्स वुड बी 605 rupees का है. तो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री आई वॉन्ट टू टीच यूर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, कि बाद में जाके ना लाइफ में ना मार ना खाओ. बाद में हमें ऐसा ना हो कि हमें किसी ने, जैसे मुझे यार किसी ने नहीं सिखाया. ओके, सो आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ. ओके, मेड इतना मिस्टेक्स कि मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को. मेड ह्यूज 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 एरर्स. सो ये बेटा बेंजाइल इथाइल इथर हो गया. अब बेटा इसमें बताओ इसमें क्या होगा. अगेन आप लोग देखोगे कि मैं बेंजीन पे ही अल्कोहल बना रहा हूँ. किसी ने ये नहीं पूछा कि मैंने इसमें क्यों नहीं बनाया, जबकि मैंने यहाँ पे देखना टर्शियरी पे आयोडाइड लिखा है, लेकिन मैं बेंजीन पे आयोडाइड नहीं बना रहा हूं. क्यों? बेंजीन के अंदर कुछ भी आ जाए तो फिर भांड निकलता है, कुछ स्ट्रांग होता है उसके बाद. क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेड है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या आ जा रहेगा, डबल बॉन्ड. यस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसीलिए. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन डन. नीचे आ रहे हैं ऑन 29th क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फैक्ट दैट अराइल अल्काइल अराइल इथर्स अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है. यस, कहाँ पे आएगा डेल नेगेटिव? सर दो ऑर्थो पोजीशन एक पैरा पोजीशन. क्यों? क्योंकि सर रेजोनेंस होते जा रहे. मेटा पे भी तो हो सकता था. देखना बेंजीन में ना, बेंजीन पे हमेशा याद रखना, अगर जो एटम अटैच्ड है उस एटम के पास, उस एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्थो पैरा ही होगा. तो वो क्या होगा? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गया, ये ऐसे गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गया. सो सी इट इज एक्टिवेटिंग for electrophilic substitution. What is the meaning of electrophile? Electron loving. Electrophile ka matlab kya hai? Electron loving. To electrophile, hey, main hu nahi hu class mein. Are yaar,
आलिया आलिया मौली, आलिया मम्मा का फोन दे यारा, हॉटस्पॉट दे मम्मा के फोन से। क्यों ऑफ कर दिया था इसका हॉटस्पॉट? कर ना, करके दो मुझे प्लीज। हाय, आई एम सो सॉरी, आई लॉस्ट माई इंटरनेट कनेक्शन। आई होप यू ऑल कुड नॉट हियर मी शाउटिंग। आवाज़ आ रही थी मेरे चिल्लाने का? कहाँ तक चले गया था? तक चला सर गया पर था? आप बता रहे थे कि क्या बता रहा था? सर आप बता रहे थे कि वो रेजोनेंस कॉइल है। हाँ, तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? यस, ओके। सो तो इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक नाउ द बेंजीन रिंग, एंड इट कैन अटैक विच पोजिशन? द ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है। ओह, ये फिर से आ गया यारा। मिथॉक्सी मिथेन विथ एच आई। ठीक है। सो CH3O के पास है ये, और HI में आपके इसके पास है ये। ठीक है। तो नाउ बेटा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन SN1। उल्टा रिएक्शन है। SN1 में क्या होएगा? CH3 यहाँ बॉन्ड से टूटेगा और क्या बनाएगा? कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन CH3 पॉजिटिव हो गया और ये हो गया CH3O नेगेटिव। अब ये H विल बी अट्रैक्टेड हियर, एग्जैक्टली, एंड I विल बी अट्रैक्टेड हियर। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ HI रिएक्ट्स विथ मिथॉक्सी मिथेन। अब ये लास्ट वाला ही है मेरे ख्याल से। नहीं, अरे ये दो तीन तीन है। स्पीड में करते हैं। ठीक है। व्हाट इज फ्रीडलक्राफ्ट्स एल्काइलेशन? हाँ जी, फ्रीडलक्राफ्ट्स एल्काइलेशन में क्या होता है? कौन सा रिएजेंट डालते हैं? मुक्का। यही होगा ना? देखना, CH3CL3 CH3, ये मुक्का मेरी तरफ भी आने वाला है। ये नहीं है फ्रिडलक्राफ्ट्स? हाँ, यही है। गाइस चेक, फ्रिडलक्राफ्ट्स यही है ना? ओके। नाइट्रेशन में इसी कंपाउंड का नाइट्रेशन करना है, तो नाइट्रेशन में हम क्या डालेंगे? मुक्का। सो नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। एंड अच्छा मैंने दूसरा वाला तो बनाया नहीं, ओके। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है तो ओ सी एच थ्री एंड सी एच थ्री, और यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगा, ओ सी एच थ्री एंड नाइट्रो इन द पैरा पोजिशन एंड नाइट्रो इन द ऑर्थो पोजिशन। अब हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या डालना है, अब हमें डालना है ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में दे आर सेड इन इथेनोइक एसिड मीडियम, तो अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करें, इसको नीचे करते हैं, तो बेसिकली वी आर एडिंग बी आर टू। तो अगर हम ब्रोमिनेशन करें तो क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, यस, पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट वाला है एसाइलेशन, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में सी एच थ्री सी एल के बदले में क्या ले लेते हैं, हेलो 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 हेलो, ये नहीं लेते सी एच थ्री ओ सी एल, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनहाइड्रस, तो यानी कि यहाँ पे ओ सी एच थ्री क्या आ जाएगा, दो बार आ जाएगा, ओ सी एच थ्री विल कम टू टाइम्स, ठीक है ना। हमेशा मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा होता। आगे बढ़े, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज दिस फ्रॉम प्रॉपर एल्कीन, एल्कीन से बनाना है, सी एच थ्री है और ओ एच है, यहाँ पे इसको एक एल्कीन से बनाना है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, एक दो तीन चार पाँच सात आठ, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच ओ एच एंड सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसमें हमें चाहिए सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, एंड फाइनली हमें ये नेक्स्ट वाला बनाना है, इसको यहाँ मैं बना रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ, ये ऐसे है और यहाँ पे सी और ये सी एच थ्री और ये सी टू एच फाइव और ये ओ एच। ओके गाइज, कौन बताएगा पहले वाला कौन सा एल्कीन लेंगे कि वी कैन ऐड एन ओ एच टू इट। हाँ आ सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है, ये दो पॉसिबिलिटी है, कौन सा सही है। ये एग्जैक्टली ये वाला ना, ये वाला या ये वाला, ये बिल्कुल सही, यही वाला सही है, बिकॉज मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ओ एच एड होगा, ओ एच विल इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, सो इट विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें तो किसी भी साइड में बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री, ठीक है। इन दिस वन ऑल्सो इट इज द सेम थिंग, इफ यू हैव इट आउट हियर ऑल्सो, ओके, इट वॉन्ट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, द मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मोर स्टेबल वन। लेकिन अब इसमें इसमें है, इसमें अगेन साइक्लोहेक्सेन है बेटा,
इसको नाउ आई कैन मेक इट अ लिटिल बिगर दैट आई रिमेम्बर द स्ट्रक्चर मैं आई एम मेकिंग इट अ लिटिल बिगर हियर सो हियर इट इज सी यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एंड यहाँ पे ओ एच अब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है यहाँ पे आएगा देखो दो जगह आ सकता है यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड या यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड ठीक है तो कहाँ का हाइड्रोजन रिमूव इजी है ये वाला तो एक बार ये चेक करें यही है ये हमारे पास ऐसा आया और ये सी है ये सी एच थ्री है ये डबल बॉन्ड है सी एच थ्री ओके ओके नॉट ओके ओके ठीक है इसमें देखो ये देखो ना अगर आप इसमें H2O डालोगे तो H2O क्या है H2O इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये नेगेटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लास्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है अब आखिरी क्वेश्चन इस चपाटर का माय डॉटर इज लाफिंग इस चपाटर का आखिरी क्वेश्चन एक दो तीन चार तीन नंबर पे मिथाइल दुई नंबर पे ओल अल्कोहल चलो थोड़े से थोड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं ठीक है एक्सेंट चेंज करके पढ़ते हैं अब अगर इसमें बचवा एच बी आर वा लगाएंगे तो क्या होएगा सबसे पहले करण बाबू ठीक बोल रहे हैं करण बाबू जो कह रहे हैं यहाँ पे आएगा हिंट भी दिया है लेकिन आधे से ज्यादा लोग ना हिंट भी नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं कि भैया कौन पढ़ेगा इतना मेहनत कौन करेगा तो यहाँ पे अगर हमारे पास H आ गया नाउ एक्सेंट अगेन चेंज सो वी हैव अ सी वी हैव अ सी एच थ्री एंड वी हैव अ सी एच थ्री And the Br negative. Now, what is going to happen is this bond is going to break and it is going to go here. So water is going to get released. So we have a CH3 and a CH positive and a CH and a CH3 and a CH3. अब अगर आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा तो एक चीज लिखा है In step 2, rearranges to a more stable tertiary carbocation. मतलब क्या? नहीं कहने का कोशिश क्या कर रहे हैं बेटा ये जो पॉजिटिव है ना ये पॉजिटिव अभी सेकेंडरी पे है ये पॉजिटिव घुस जाएगा टर्शियरी पे यानी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज रीअरेंजमेंट से ये सी एच टू हो जाएगा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा ये सी एच थ्री और यहां पे पॉजिटिव एग्जैक्टली ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया और हमें पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एग्जैक्टली तो अब ये जो बी आर नेगेटिव है ये जो बी आर नेगेटिव है बचुआ ये कहाँ लग जाएगा यहाँ इस कार्बन पे जहां पे पॉजिटिव साइन है और चपाटर खत्म शुभ रात्रि गुड नाइट